नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि यदि आपने IRCTC के पोर्टल पर जाके ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक किया है तो अपने टिकट का SMS फिर से प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि SMS रीसेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा, जिसका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, www.irctc.co.in। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, चलिए इसे विजिट करते हैं। अब देखिए, मैं IRCTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके होम पेज पे आ चुका हूँ। अब इनके होम पेज पे आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन। जी हाँ, लॉगिन। तो सबसे पहला काम आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको जो ऑप्शन ऊपर दिख रहा है लॉगिन, उस पर सबसे पहले क्लिक करना है। तो देखिए, मैंने क्लिक किया, अब एक पेज ओपन हो गया। अब ये पेज है और इस पेज में आपको अपना डिटेल्स फिल करना है लॉगिन करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले आपको देखिए, पहला बॉक्स, यहाँ पर दो बॉक्स ऊपर दिए हुए हैं और एक बॉक्स नीचे दिया हुआ है। ऊपर वाले जो सबसे पहला बॉक्स है उसमें आपको अपना यूज़र नेम फिल करना है और दूसरे वाले बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है और नीचे देखिए एक कैप्चा दिखेगा, तो उस कैप्चा को नीचे तीसरे बॉक्स में फिल कर देना है और फाइनली आपको साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा तीनों फिल करके साइन इन करता हूँ। तो देखिए, ये जो साइन इन ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है सब कुछ फिल करने के बाद। तो मैं साइन इन कर रहा हूँ, सबसे पहले अपना डिटेल्स फिल कर लूँ। तो देखिए, पहले वाले बॉक्स में मैंने अपना यूज़र नेम फिल कर लिया, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, और दूसरे वाले बॉक्स में मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया और नीचे जो कैप्चा दिख रहा है, देखिए ये कैप्चा भी मैंने नीचे फिल कर दिया। अब मैं साइन इन करके यहाँ पर इस पोर्टल पे लॉगिन हो रहा हूँ। देखिए, मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ। अब लॉगिन होने के बाद में ऊपर में देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई अकाउंट। जी हाँ, माई अकाउंट, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे माई अकाउंट। तो सबसे पहले आपको कर्सर इस माई अकाउंट ऑप्शन पे ले जाना है। देखिए, माई अकाउंट ऑप्शन पे जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो उसके अंडर में कुछ और ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन दिखेगा माई ट्रांजेक्शंस, माई ट्रांजेक्शंस। अब जैसे ही माई ट्रांजेक्शंस ऑप्शन पे आप कर्सर ले जाएंगे तो फिर से बहुत सारा ऑप्शन अपीयर होगा, यानी कि आपको दिखेगा। तो उसमें से एक ऑप्शन दिखेगा बुक टिकट हिस्ट्री, बुक टिकट हिस्ट्री। देखिए, ये जो ऑप्शन है बुक टिकट हिस्ट्री, वो आपको दिखेगा। तो समझ गए होंगे, सबसे पहले माई अकाउंट, उसके बाद माई ट्रांजेक्शन, उसके बाद बुक टिकट हिस्ट्री। अब जो है, इस बुक टिकट हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपने जो टिकट बुक किया है उसका पूरा डिटेल्स शो करेगा। तो चलिए, मैं अब इस बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करके आपको आगे का दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना SMS रीसेंड कर पाएंगे। तो बुक टिकट हिस्ट्री को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए, मेरा टिकट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर रहा है। देखिए, जैसे ट्रेन नंबर है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ट्रेन का नाम है, और इस पर आपको ये जो डिटेल्स शो करेगा इस पर अब आपको फिर से क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही देखिए अब आपका जर्नी से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब उसी के नीचे में देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा गेट SMS, गेट SMS। अब आपको SMS फिर से प्राप्त करने के लिए, यानी कि रिसेंड करने के लिए, आपको इस गेट SMS पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट SMS पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पे आपके यात्रा से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा विवरण SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप SMS प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, SMS जर्नी डेट के 3 दिन पहले या 3 दिन के अंदर में, जब आप जर्नी कर रहे हैं उसके 3 दिन के अंदर में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि लगता हो कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।